गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां प्राइवेट लैब्स ने 35 नेगेटिव लोगों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट थमा दी और इस रिपोर्ट के बाद इन 35 लोगों को कोरोना संक्रमितों के साथ रखा गया। मामला जैसे ही मीडिया में आया तो प्राइवेट लैब्स को नोटिस भेजा गया। कोरोना काल में प्राइवेट लैब का बड़ा फर्जीवाड़ा। रुपयों के खातिर निगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया। गलत तरीके से सैंपल इकट्ठा कर जान खतरे में डाला। कोरोना संकट के बीच ये सन्न कर देने वाली हकीकत दिल्ली से सटे नोएडा की है। यहां एक दो नहीं बल्कि 35 मरीजों के साथ प्राइवेट लैब ने छलावा किया। प्राइवेट लैब्स ने नियमों को ताक पर रखकर न केवल लोगों के सैंपल्स लिए बल्कि 35 निगेटिव लोगों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भी थमा दी, जिसके बाद इन सभी 35 लोगों को कोरोना संक्रमितों के साथ रख दिया गया। कोरोना से जुड़ा एक बेहद सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। दरअसल नोएडा के 35 अलग अलग लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। ये तमाम जो टेस्ट हैं वो दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग प्राइवेट लैब्स के द्वारा किए गए। इन प्राइवेट लैब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन लोगों की कंपनियों में गए या फिर निजी तौर पर इनके सैंपल कलेक्ट किए और उसके बाद जब रिपोर्ट दी तो तमाम 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव दी गई। इसके बाद जब ये अस्पताल पहुंचे और वहां पर इनको एडमिट किया गया, वहां इनका टेस्ट हुआ तो वहां पर जो इनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आई। इन लोगों ने हल्की बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायत के बाद प्राइवेट लैब्स में कोरोना का टेस्ट कराया। टेक्नीशियन ने कुछ लोगों के घर जाकर ही सैंपल्स इकट्ठे किए। जब लैब्स ने रिपोर्ट पॉजिटिव दी तो इन लोगों को सरकारी कोविड आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया, जहां इनकी दोबारा से जांच की गई। हैरानी की बात यह है कि यहां सभी 35 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई।